स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। एक बार फिर से एनसीबी को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि केरल में एनसीबी और नौसेना की संयुक्त टीम ने 1200 करोड़ रुपए कीमत की 200 किलो हीरोइन को जब्त किया है। हीरोइन का इतना बड़ा जखीरा एक ईरानी जहाज से मिला है। जांच की शुरुआत में पता चला है कि इस जहाज को अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचाया जाना था और खेप का कुछ हिस्सा भारत और श्रीलंका में बेचा जाना था। जहाज से 6 ईरानी लोग भी पकड़े गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बड़ी तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क का हाथ हो सकता है। अधिकारियों के मुताबिक हेरोइन की पैकेजिंग में स्कॉर्पियन के अलावा ड्रैगन सील के भी निशान मिले हैं। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि इस बड़ी खेप के पीछे पाकिस्तान में बैठा हादी सलीम नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हादी सलीम भारत समेत कई देशों में नशीले पदार्थों की सप्लाई कर चुका है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुवार यानी कि 7 अक्टूबर 2022 को समुद्र में अभियान चलाया और जब्त की गई खेप को 6 ईरानी नागरिकों के साथ केरल के कोची में लाया। अधिकारी ने कहा कि पैकेट में अफगानिस्तान और पाकिस्तानी पैकेजिंग के सबूत मिले हैं। किसी पर स्कॉर्पियन सील के निशान थे, वहीं कहीं पर ड्रैगन सील के निशान भी मिले हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया, ईरानी जहाज पर सवार लोगों ने हमसे बचने के लिए समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश की और हेरोइन को भी पानी में डालने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले वो गिरफ्त में आ गए। दरअसल हेरोइन खराब ना हो और पकड़े जाने के डर से इसे समुद्र में डाला जाए, इसकी पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी। हेरोइन की पैकेजिंग वाटरप्रूफ और 7 परत की पैकिंग में किया गया था। वही रिपोर्ट्स का कहना है कि श्रीलंकाई जहाज की पहचान करने और उसे रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन इसका पता नहीं चल सका। फिलहाल एनसीबी और नौसेना की संयुक्त टीम की इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।